नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम के चुनावी समीकरण को लेकर पार्टी में हुआ मतभेद माना जा रहा है। कुछ वार्डों में पार्षद प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में जिस तरह से अतखल मचा है, इससे ऐसा लगता है कि चुनाव में भाजपा को कई सीट गंवानी पड़ सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है काफी बागी प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो भाजपा के लिए गले की फांस साबित होंगे। बस्सी स्कूल वार्ड से आज जया साहू जी यहाँ से फिर नामांकन कर रहे हैं। अभी तक उसके पहले आपने नामांकन किया था वहाँ पे और कुछ वोटों मतों से हारे थे, लेकिन आज इसमें जया साहू जी जो है महिला क्षेत्र महिला सीट घोषित हुई है और जया साहू जी चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे मैम, कैसे चुनाव इस बार आप देख रही हैं? भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिला हुआ है, कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप? सर, जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसको मतलब मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो साफ़ सफाई है, पानी की कमियाँ, थोड़ा सा नल वल खराब रहते हैं तो उसको मिटाने की पूरी कोशिश। सबसे बड़ी समस्या सड़कों की, सड़क की नाली सफाइयों की भी है, सफाई क्षेत्र में कम है तो उस पर ध्यान बहुत देंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि आप चुनी हुई है, किस रूप दिया कि आप इस बार जो है आपके टक्कर में जो है उसको मात कर जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल, मात कर जाएंगे, कॉन्फिडेंट है। क्यों साहू जी, आप बताए क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं तो क्या स्थिति है इसमें, क्या क्योंकि क्षेत्र जो है बढ़ गया है, थोड़ा बड़ा क्षेत्र हुआ है, तो कैसे आप देख रहे हैं? हमारा क्षेत्र वंशवाद के शिकार हो चुका था, उस वंशवाद से उस क्षेत्र को निकालना है, क्षेत्र को पूरी तरह से विकास युक्त करना है। हमारे क्षेत्र में विकास के नाम पर बंजरवाद चले आए हैं, उस बंजरवाद को खत्म करना है और योगी मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। तो योगी मोदी के योजनाओं को जन जन पहुँचाना है, वंशवाद जो वहाँ था उसको खत्म करने की जो है हमारे साहू जी बिल्कुल प्रतिज्ञा ले रखे हैं और निश्चित जय साहू जी जिस तरह से हैं और इनकी निष्ठा जो है जिस तरह से इन्होंने अपने पर खड़ी हैं और निश्चित खड़ी उतरेंगी, क्योंकि जो इनका उद्देश्य है सड़क पानी और यहाँ के लाइट सफाई व्यवस्था, तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं वो बस स्कूल में वास्तव में देखा गया है। तमाम सड़कें नहीं बनी हैं, जो भी पार्षद वहाँ था उसने अभी तक कोई काम नहीं किया, लेकिन जय साहू से लोगों को वहाँ की जनता को बहुत उम्मीद है और निश्चित तौर पर खड़ी उतरेंगी। थैंक यू। हमारे सबसे बड़े राहत हैं यहाँ के जो है महापौर है, अध्यक्ष हैं और राजेश जी, क्या कहेंगे सर आज चुनाव आप जय साहू को लड़ा रहे हैं? क्या चुनाव को पार्टी को लड़ाया जा रहा है? आज बहुत बड़ी गौरव की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जया साहू के गौरव को देखते हुए, उनके बातचीत को, उनके बात व्यवहार को देखते हुए, जनता को देखते हुए उन्होंने उनको टिकट दिया है और राम जी की कृपा रहेगा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ करके श्री प्रमोद साहू जी जया साहू जी लगे हुए क्षेत्र में और इनको ही सफलता मिलेगी, क्योंकि वशिष्ठ वार्ड जो है जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के गुरु का वार्ड है तो उसको स्वच्छ और साफ सुथरा रहना बहुत पिछड़ा वार्ड है जी है, तो इसलिए उसका विकास होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से उन्होंने लग्न से मुझसे कहा है कि महाराज इस क्षेत्र में मुझे विकास के लिए आया है, इसलिए मैं इनका साथ दे रहा हूँ, जय सियाराम। तो अभी आपने कहा कि चूंकि भगवान राम मर्यादा भगवान राम के जो है गुरु के जो है वो क्षेत्र है, जिस वार्ड से जो है जया जी लड़ रही हैं और हमारे साहू जी जो है ये बिल्कुल तत्परता से साथ लगे हैं, क्योंकि इनकी भाभी श्री हैं और ये तन मन से लगे हैं और उस वार्ड को जो है एक नया वार्ड देंगे, एक नया रूप देंगे, नया अध्याय देंगे, नया अध्याय जोड़ेंगे, एक योजना से जोड़ेंगे, जो आज वहाँ पे तमाम ऐसी खामियाँ हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उस उद्देश्य से आज चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे जो है राजेश जी हैं तो निश्चित है कि इस पर जो है इनको बीएससी तो मिलनी है। थैंक यू। यहाँ पे तमाम लोग आज जो है सारे पार्षदों का आज अंतिम दिन है नामांकन का, तो हमारे बीच में तमाम ऐसे लोग हैं जो अयोध्या से नामांकन करने वाले। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने मुकेश तिवारी जी खड़े हैं, जो लगभग एक साल से लगातार खुद अपने वार्ड की जो है जनता की सेवा करते आए, तमाम ऐसे जगह जो नाले टूटे फूटे थे, पार्षद वहाँ के जो थे उन्होंने नहीं उस पर निर्माण कराया, इन्होंने जो है मीरापुर वार्ड में तमाम जगह इन्होंने तमाम नालियों के जो है सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ पे नाले बनवाए और जहाँ जहाँ सड़क टूटी थी वहाँ भी इन्होंने किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस उद्देश्य से इनको जो है टिकट नहीं दिया, इनको वंचित कर रखा और ऐसे व्यक्ति किया कि जो वास्तव में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खेमे से वो पद जो है पार्षद पद जा सकता है। अगर मुकेश तिवारी मिला होता तो शायद इनके एक पक्षीय होता, क्योंकि आप सैनिक से भी हैं और रिटायर्ड सैनिक से हैं, सेना से हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, जो भी इनका जनता सेवा है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी आपको उपेक्षित कर दिया? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लगभग एक से डेढ़ क्या दो वर्षों से मैं अपने मणिरामदास सानी वार्ड के जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की समस्याओं को मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, जितना मुझसे हो सकता है उससे ज़्यादा मैंने करने की कोशिश की है और मैं अभी भी जनता से वादा करता हूं, जनता ने मुझे कहा कि आपको भले टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं।
और मरियाम दास सानीवार की पूरी जनता मेरे साथ है, इस वजह से मैंने आज नामांकन किया है निर्दल। और मैं अभी जनता को बताना चाहता हूँ कि जनता मेरा साथ दे रही है और जनता का मैं विकास और अपने वार्ड का विकास अपनी ताकत से ज़्यादा ताकत लगा कर करूँगा और अपनी जेब से खर्चा करके करूँगा और उन कामों में मैं पीछे नहीं रहूँगा। अभी लगातार आप अपनी जेब से खर्च करते हुए जो है जनता सेवा किया, वार्डों सेवा किया, क्या कहेंगे मैम आज चूँकि आपने नामांकन भर दिया है, फॉर्म भर दिया है, तो क्या चाहती हैं? तन मन धन से जितना मुझे हो सकेगा मैं सारा काम करवाऊँगी, सारे काम करूँगी, जितने लाभ है सरकारी सारा चीज करवाऊँगी, कभी भी कोई कमी नहीं होने पाएगी। और कॉल तो रात विरात जब भी आप लोग करेंगे कॉल तुरंत मिलेगा, काम सबका होगा। संतों के बीच आपकी जो है बहुत संतों के क्या हमारे वार्ड के पूरे संत महंत सब मेरे साथ हैं, उन्होंने कहा कि बेटा आप लड़ो और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। फौजी जो कहता है वो करता है, फौजी जो कहता है वो करता है। निश्चित यह है कि जहाँ अभी तक जो है ये बॉर्डर पर लड़ रहे थे, आज इस वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पर वहाँ की भ्रष्टाचार को खत्म करने के ओर अग्रसर है। और मैं निश्चित जान रहा हूँ कि इस बार जो है इनकी विजयी होने की संभावना, चूँकि जो कैंडिडेट मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी को पार्षद दिया है वो इतना सक्षम नहीं है, लेकिन इनको जो ना दे करके कहीं ना कहीं उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है। मैं निश्चित ये कहूँगा कि अब देखते हैं कि क्या ऊँट किस करो बैठती है। थैंक यू।